देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 24,818 नए केस मिले हैं और 492 मरीजों की मौत हो गई। करीब 42,000 मरीज रिकवर हुए हैं। 8 राज्यों में बीते 24 घंटे में कोरोना के 100 से भी कम केस सामने आए हैं। देश में कोरोना से अब तक 5,10,905 लोगों की मौत हो चुकी है और 4,27,00,000 केस अब तक सामने आए हैं। कोरोना ग्राफ में कमी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना मरीज के क्वारंटीन में रहने के समय को घटाने का फैसला किया। WHO ने कहा कि संक्रमण से रिकवर होने के बाद अब सिर्फ 7 दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा। इससे पहले संक्रमित को 14 दिन क्वारंटीन में रहना होता था। इधर देश में कोरोना के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो 4.27 करोड़ कुल केसेज हैं, कुल रिकवरी है 4,19,00,000, कुल मौतें हुई हैं 5,10,000 और एक्टिव केस हैं 2,83,000। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और अब ये 2.07% है। इसके अलावा कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट बढ़कर 98.12% हो गया है। हालांकि चिंता की एक बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की वजह से 492 लोगों की मौत हो गई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मौत की संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों और पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि महामारी की तीसरी लहर की रफ्तार अब थमने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बीते 24 घंटे में भीतर देश में करीब वायरस के 25,920 नए मामलों की बात कही है, जबकि 66,254 मरीज ठीक हुए हैं। एक दिन पहले यानी गुरुवार के आंकड़ों की तुलना करें तो दैनिक मामलों की संख्या में 4,837 की कमी आई है। साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों का रिकवरी रेट बढ़ने से एक्टिव मामलों में भी गिरावट आ गई है। फिलहाल ये आंकड़ा 2,92,092 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस को लेकर जारी स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जिन 5 राज्यों में संक्रमण के दैनिक केस सबसे ज्यादा हैं, उनमें है केरल जिसमें केस हैं 8,655, महाराष्ट्र 2,797 केस, कर्नाटक 1,579 केस, राजस्थान 1,506 केस, मध्य प्रदेश 1,328 केस हैं। कोरोना के नए मामलों में 61.2% केस यानी इन्हीं 5 राज्यों में दर्ज हुए हैं, जिनमें से 33.39% मामले अकेले केरल से मिले हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।